हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज का टॉपिक है हमारा पीएचडी। आज हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में, क्योंकि जब से हमारी नई शिक्षा नीति आई है तो पीएचडी के एडमिशन को लेकर कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पीएचडी हमारा एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, क्या फीस लगती है, एडमिशन में हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और हम नेट जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है, और हमारा इसका करने का बेनिफिट क्या होता है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। साथियों, जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से पीएचडी के एडमिशन में भी काफी बदलाव हुए हैं, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, यदि हम किसी भी कोर्स के बारे में जानते हैं तो उसके पहले फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। तो यदि हम पीएचडी की फुल फॉर्म की बात करें तो पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी कि पीएचडी करने के बाद में हमारे नाम के साथ डॉक्टरेट जुड़ जाता है, हम डॉक्टर की उपाधि में आ जाते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं एडमिशन के लिए कि एडमिशन कैसे लें। तो एडमिशन की यदि हम बात करें तो एडमिशन में कई सारे तरीके से पीएचडी में एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा यूजीसी नेट और जेआरएफ के थ्रू एडमिशन कराए जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, यदि आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया हुआ है और आपने क्लियर किया हुआ है और जेआरएफ भी आपका क्लियर है, तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो आपको पीएचडी ऑफर करती है। और यदि आपने जेआरएफ का पेपर क्लियर किया हुआ है तो आपके लिए पीएचडी करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, आपको 35,000 पर मंथ दिए जाते हैं। तो उससे कम ही आपका खर्चा आता है पीएचडी में। तो पीएचडी के लिए यदि आपने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तो आपके लिए पीएचडी बहुत आसान हो जाती है। और यदि आपने पीएचडी के लिए नेट और जेआरएफ के एग्जाम क्लियर नहीं किया हुआ है तो आप डायरेक्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वहां पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी मेरिट के बेस पर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पर्सनल इंटरव्यू के भी आप पर एडमिशन लेती हैं। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। लेकिन याद रखिएगा, जहां से भी आप पीएचडी कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा उस यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से पीएचडी अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, कि जो आपको गाइड दिए जा रहे हैं, जो आपके गाइड हैं, वो गाइड भी आपको पीएचडी ऑफर करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, यानी कि आपको पीएचडी गाइड करने के लिए वो जो आपके गाइड है वो एलिजिबल है या नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो पॉइंट है। आगे बात करें कि योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही किए हुए होने चाहिए, और दोनों में आपके 55% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। यदि आपके पास वो सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट से पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि आपको जो पीएचडी का चुनाव करना है वो उसी सब्जेक्ट का करना है जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो उनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। आगे बात करें ड्यूरेशन की, कि इसको पूरा होने में कितना समय लगता है। तो यदि हम मिनिमम टाइम की बात करें तो मिनिमम टाइम होता है 2.5 साल, और जो मैक्सिमम समय होता है वो होता है 5 साल। तो यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें डिग्री अवार्ड कर दी जाए, और यदि आप जेआरएफ के थ्रू जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी डिग्री ज्यादा से ज्यादा समय में दी जाए, आपको पूरे 5 साल लगे, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको पर मंथ जो है यूजीसी की तरफ से मिलता है। तो यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो आपकी जो ड्यूरेशन है वो 2.5 साल से 5 साल के बीच में कभी भी आपको डिग्री अवार्ड की जा सकती है, जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया जाता है। आगे बात करें कोर्स फीस की। तो कोर्स फीस में हम बात करें, यदि आपने यूजीसी नेट और जेआरएफ के थ्रू अपना एडमिशन लिया है तो उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है, उसमें तो आपको यूजीसी की तरफ से पेमेंट मिलता है। और यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पर जो फीस का थोड़ा सा वेरिएशन है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस है। यदि हम मिनिमम फीस की बात करें तो आपका 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका जो है चार्ज रहता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करते हैं।
अब यदि हम स्कोप की बात करें तो पीएचडी का जो स्कोप है वो काफी अच्छा है। सबसे पहला तो जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, पहली चीज। दूसरा, जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप जो है जो इंटर कॉलेज होते हैं वहां पर लेक्चरर बन सकते हैं, तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें पीएचडी वाले बंदों को सबसे पहली वरीयता दी जाती है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं, वहां पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं यदि आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में आप रिसर्च डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो पीएचडी करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आपका नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। आगे आता है पीएचडी आप कहाँ से कर सकते हैं, जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पीएचडी के लिए वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला नाम आता है वो आता है हमारा डीयू का, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा एयू, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी। इसके बाद में एएमयू है आपका, जेएनयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट है कि आप पीएचडी रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में कर सकते हैं। तो पीएचडी के लिए जो हमारा डिस्टेंस है, जैसे हमारा इग्नू है, तो इग्नू आपको डिस्टेंस में पीएचडी ऑफर करता है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप प्राइवेट जॉब में भी हैं तो आप पीएचडी रेगुलर नहीं कर सकते हैं, तो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए इग्नू ऑफर करता है पीएचडी, और रेगुलर आप चाहते हैं तो रेगुलर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो दोनों ही मोड में पीएचडी आप कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं पीएचडी को लेकर। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।